वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। शिव प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। नल और टंकी चैप्टर चल रहा था, आज इसकी तीसरी क्लास है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 केजी है। जब बर्तन का एवढ़ा चार भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 केजी है। खाली बर्तन का वजन क्या है? तो जल से भरे पूरे बर्तन का वजन, यानी कि बर्तन को बी से दिखा रहे हैं, उसके बाद पानी को पी से, इन सब का टोटल वजन दिया है 16.5 केजी। उसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया है बर्तन प्लस 1/4 भाग भरा है और इसका वजन दिया है 5.25 केजी। तो यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बर्तन 4b, त्रिज्या गुणा करेंगे यहाँ पर 4b हो जाएगा और 4b और उसके बाद प्लस पी के बाद इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, यानी कि 0, 4 × 2 = 10 के 0, कुल मिला के आपका 21 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर यहाँ पर पी का मान रख देते हैं, पी का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 16.5 - b, तो यानी कि 4b प्लस यहाँ पर लिखते हैं 16.5 - b = 21। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3b और 16.5 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका 21 - 16.5, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4.5, 3b = तो b = हो जाएगा आपका, b के मान यहाँ पर 4.5/3, यानी कि 3 × 3 = 15, 1.5 केजी। यानी कि जल से भरा जो बर्तन है, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है खाली बर्तन का वजन क्या होगा, खाली बर्तन का वजन हो जाएगा आपका 1.5 केजी। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार 12 बाल्टियां हैं और प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा है, यानी कि यह टोटल पानी हो गया। और यहाँ पर कह रहा है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियाँ, 9 लीटर मतलब प्रत्येक बाल्टी में आना चाहिए, तो प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर आ रहा है और मान लिया x बाल्टी की आवश्यकता होगी, तो 12 × 13.5/9 = x बाल्टियाँ। इसको काट देंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, फिर इसको काट देते हैं 3 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, फिर यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 16, 2 = 18, यानी कि आपका x का मान आ गया 18। 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की, 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में दिया है डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा?
तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, टी वन टाइम है, टी टू और पाइप, पाइप की त्रिज्या है ये दूसरे पाइप की त्रिज्या अपान पहले पाइप की त्रिज्या का होल स्क्वायर। यानी कि पानी पाइप का जितना ज़्यादा व्यास होगा उसको उतना कम लगेगा, उतना कम समय लगेगा खाली करने में टंकी को। तो और अब इसको व्यास के रूप में निकाल लेते हैं, तो पहले दूसरे का दिया है 2D व्यास, यानी कि व्यास को लिख सकते हैं, व्यास को लिखा जाता है d2 d/2 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2D पहले दूसरे का दिया है, 2D/2 करेंगे अपान R1 D है, R1 का व्यास D है, तो इसको D/2 लिख सकते हैं, D/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद D से D कट जाएगा। तो और यहाँ पर T1 का मान दिया है, D व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, यानी कि 40/T2। और यहाँ पर आप यहाँ 2 बचा है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 40, यानी कि T2 का मान आ जाएगा यहाँ से, T2 का मान 10 आ जाएगा, 10 मिनट में 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट लगेगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर चार देखते हैं। एक पाइप की एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में खाली, यहाँ पर खाली नहीं रहेगा, यहाँ पर भरता है लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भरने का संदर्भ में रहेगा, इसको यहाँ पर भर रहा है 15 घंटे में भरता है। यदि टंकी से पूरी भरी हो, यदि टंकी पहले से पूरी भरी हो, तब टंकी के तब छेद के कारण कितनी देर में खाली होगी। तो एक पाइप, यानी पाइप ए मान लेते हैं, 10 घंटे में भरता है, जब टंकी की तली में छेद होता है तो वह 15 घंटे में भरता है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 15, और यहाँ पर 30 LCM हो जाएगा, यहाँ पर 10 से भाग देंगे 30 में 3 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे 30 में 2 आ जाएगा। और अब यहाँ पर फिर उसके बाद बी का मान ज्ञात करते हैं, ए का मान 3 दिया, ए प्लस बी 2 दिया है, तो ए का मान अगर यहाँ पर रख देंगे 3 + b = 2, तो बी का मान अगर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञात करना क्या है, यदि टंकी पहले से, यहाँ पर पहले से लिखना चाहिए था, पूरा लिखा नहीं गया है, पहले से पूरी भरी हो तब छेद के कारण कितनी देरी में खाली होगी। तो टंकी का टोटल आयतन 30 है, और यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 घंटे लगेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 7.5 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते जाएं तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 पाइप हैं, ए 15 घंटे में भर रहा है, और बी 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं, 15/2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि तब इसको LCM लेने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर अंश का ही LCM लिया जाएगा, तो 15 LCM हो जाएगा आपका,
तो 15 में 15 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 15 में 15 बटे 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी की टोटल क्षमता 15 है और 3 से यहाँ पर 1+2 यानी 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 15 यानी कि 5 घंटे में, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 5 घंटे में टंकी को भर देंगे। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, यदि तीसरा नल से 12 घंटे में खाली कर सकता है, पहले दोनों नल 6 मिनट खुले रहते हैं इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है दो नल हैं, पहला मान लेते हैं ए है, यह 30 मिनट में भरता है और दूसरा 24 मिनट में, उसके बाद तीसरा नल इसे जो है 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा, इन सब का एलसीएम 120 हो जाएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा और 12 से डिवाइड करेंगे 12 × 120 10 आ जाएगा, और यह निगेटिव में आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। उसके बाद पहले दोनों नल 6 मिनट खुले रहते हैं यानी कि 4 और 5 एक घंटे में ये टोटल 9 यूनिट भर रहे हैं पानी, तो 6 मिनट में भरेंगे, एक मिनट में 9 भर रहे हैं तो 6 मिनट में 9×54 यूनिट पानी को भरेंगे। इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो बताइए टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। इसके बाद फिर तीसरा नल खोला जाता है, अब यहाँ पर टंकी भरेगी नहीं खाली होगी, क्योंकि यह दोनों 9 भर रहे हैं टोटल और यह 10 यूनिट खाली कर रहा है, तो यानी कि माइनस का 1 आ रहा है, तो टंकी भरी है 54 यूनिट और बटे 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी का अगर इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर 54 ही आ जाएगा, यानी कि 54 मिनट में टंकी खाली होगी। यहाँ पर 120 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि टंकी 54 ही भरी है इसलिए 54 लिया गया, 120 नहीं लिया गया। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर सात देखते हैं। पानी की एक टंकी में 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, पी नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, क्यू नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। तो क्वेश्चन में दिया है पी नल है 10 मिनट में भर रहा है और क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम 30, तो 10 × 30 और यहाँ पर 30 में 6 से भाग देंगे, 6×5 5 आ गया और ये निगेटिव में होगा क्योंकि क्यू नल उसको खाली कर रहा है, तो दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। दोनों नल एक साथ अगर खोले जाएंगे तो टंकी का टोटल वॉल्यूम 30 यूनिट है और यहाँ पर दोनों को अगर खोला जा रहा है तो यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, यानी कि टंकी भरेगी नहीं खाली होगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता तो टंकी भरती, यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 आ गया, यानी कि 2×15। क्वेश्चन को यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है पानी की एक टंकी 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, यहाँ पर टोटल
इसको नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर 3/5 ही लिया जाएगा। तो 3/5 यहाँ पर लेंगे, 3/5 तो 30 है, 30 का 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, तो 5 × 30 तो 3 × 18 18 यूनिट पानी भरा हुआ है। और P और Q का मान यहाँ पर घटाते हैं आपस में, अगर इनको ऐड करेंगे तो -2 आएगा। 18 यूनिट भरा हुआ है तो यहाँ पर 2 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। 9 मिनट में खाली हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है इसलिए खाली होगी। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है पी नल टंकी को 10 मिनट में भर रहा है और क्यू 6 मिनट में खाली कर रहा है। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया। उसके बाद फिर ये 30 जो है टंकी का टोटल वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पर निकाला गया 1 मिनट में पी जो है 3 यूनिट पानी भर रहा है और क्यू 5 यूनिट पानी को निकाल रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में दिया है पानी की एक टंकी में 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, 3/5 ही भाग भरा हुआ है। तो 30 का यह टोटल टंकी का आयतन है, 30 का 3/5 निकालेंगे तो 5 × 30 3 × 18 18 आ गया। और यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है पी और क्यू के मान जोड़ने पर, तो 18 में से 2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।